आपने सोरा 2 के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल हर जगह इसी की बातें हो रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इसे यूज करें तो इससे क्या क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ सोरा की मदद से हम एक YouTube चैनल रन कर सकते हैं और क्या हम अर्निंग कर सकते हैं? देखो, आज के टाइम पर सोरा से बनाए गए वीडियोस काफी ट्रेंड में है, और आपने भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सोरा से बने वीडियोस जरूर देखा होगा। पर असली सवाल ये है कि हम इसे कैसे बनाएं, यानी सोरा 2 को यूज कैसे करें, क्योंकि ये तो पेड है और इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। इसमें हम जानेंगे कि सोरा को कैसे यूज करना है, इससे क्या क्या अमेजिंग चीजें की जा सकती है, हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोरा 2 में वीडियोस कैसे जनरेट होते हैं, उसके लिए प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है। देखो, सोरा में आने के बाद आपको यहाँ प्रॉम्प्ट देने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलो पहले एक प्रॉम्प्ट डालकर देखते हैं कि क्या सही में सोरा एकदम रियलिस्टिक वीडियो बनाता है या ये बस एक फेक क्लेम है। प्रॉम्प्ट डालने के बाद सेटिंग को एडजस्ट कर लेना है। वीडियो रेशियो और ड्यूरेशन को सेट करने के बाद वीडियो को जनरेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद सोरा ने हमारे वीडियो को रेडी कर दिया है। चलो वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो तो काफी सही बना है, इतने डिटेल्ड सीन्स बस एक प्रॉम्प्ट से इम्पॉसिबल है, लेकिन सोरा ने इसे पॉसिबल कर दिया है। सही में सोरा ने VO3 को काफी पीछे छोड़ दिया है। देखो, सोरा में वीडियो बस एक चीज पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा बनेगा या बहुत अच्छा, और वो है प्रॉम्प्टिंग। देखो, सोरा में अभी के टाइम पर 15 सेकंड तक के क्लिप को हम जनरेट कर सकते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और प्रॉम्प्ट्स को 15 सेकंड के हिसाब से ही लिखना है। देखो, प्रॉम्प्टिंग के लिए आप सीधे ChatGPT पर आ जाओ, क्योंकि मैं भी ChatGPT से ही प्रॉम्प्टिंग करता हूँ, और अभी तो इस पर फ्री ऑफर भी चल रहा है, तो उसे क्लेम जरूर कर लेना। गाइडेंस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखो, ChatGPT पर आने के बाद आपको किस तरह का वीडियो बनवाना है उस आइडिया को लिख दो। यहाँ आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना होगा, क्योंकि जैसा आप ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा ही प्रॉम्प्ट जेनरेट होगा। आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हो। तो चलो हम अपने आइडिया को लिख देते हैं। तो मैंने लिखा है कि मुझे एक एनिमे फाइट सीन चाहिए जिसमें बैकग्राउंड डार्क थीम पर बेस्ड हो, नाइट टाइम व्यू हो, मस्कुलर हीरो हो, ब्लू कलर का पावर थीम हो, और फिर मैंने स्टाइल को लिखा है। और आप वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट को देख लेना और इस पोर्शन को हर आइडिया के लास्ट में लिख देना। अब ChatGPT पर इसे सेंड कर देंगे और ChatGPT आपको एक रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट दे देगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट में और डिटेल्स चाहिए तो आप हाईली डिटेल्ड लिख देना और फिर से ChatGPT पर सेंड कर देना। अब ChatGPT आपको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे देगा। अब आपको ChatGPT से इसे JSON प्रॉम्प्ट में मांग लेना। चलो तो अब इस प्रॉम्प्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और सोरा पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। अब वीडियो को जनरेट कर लेते हैं। वीडियो लगभग रेडी है। देखो, प्रॉम्प्टिंग तो अच्छा हुआ है और वीडियो भी सही बना है। अब कुछ अलग बनाने का सोचते हैं। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए वीडियो को जनरेट कर लिया। तो ये रहा हमारा वीडियो। देखो, आप सोरा को अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो और इसे अपलोड करके अच्छे खासे व्यूज गेन कर सकते हो। चलो अब हम जान लेते हैं कि क्या सोरा से वीडियो जेनरेट करके यूट्यूब पर अपलोड करने पर चैनल मोनेटाइज होगा और क्या इससे अर्निंग हो पाएगा। तो मैं बता दूं कि इस तरह चैनल बनाकर आप अच्छे खासे व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो और फिर स्पॉन्सर से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मोनेटाइजेशन का कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि काफी लोगों के चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं और काफी लोगों के नहीं भी होते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं एक शॉर्ट चैनल बनाकर ट्राई भी करूंगा और फिर आपको रिजल्ट्स बताऊंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। देखो, पर एक बात तो क्लियर है कि सोरा से वीडियो जेनरेट करने में आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलो
अब देख लेते हैं कि सोरा को यूज कैसे करना है, क्योंकि इसके एक्सेस के लिए इनविटेशन कोड चाहिए होता है। देखो प्रोसेस तो सेम है जैसे दूसरे क्रिएटर्स बता रहे हैं, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक और ट्रिक है जिससे आप इसका एक्सेस ले सकते हो। इसके लिए आपको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसके पास सोरा का एक्सेस है, और आप उस पर्सन से इनविटेशन कोड ले सकते हो, क्योंकि एक पर्सन 6 लोगों को कोड रेफर कर सकता है। और एक बार कोड एंटर करने के बाद आपको कभी भी कोड का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो और सोरा का एक्सेस ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।